हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आपको अस्मद शब्द का रूप बताने वाली हूँ। अस्मद का अर्थ होता है मैं, और मैं को संस्कृत में हम लिखते हैं अहम। अस्मद मैं, और मैं को संस्कृत में हम लिखते हैं अहम। तो देखिए अब इसका कैसे हम रूप बताएंगे। तो देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा अहम, द्विवचन में होगा अवाम, और बहुवचन में हो जाएगा वयम। द्वितीय विभक्ति में मेरा हो जाएगा माम, द्विवचन में हो जाएगा आवाम अस्मान। क्या होगा मेरा इसका स्टार्टिंग? प्रथमा विभक्ति में अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान। अब देखिए तृतीय विभक्ति में मेरा क्या हो जाएगा? माया। द्वितीय विभक्ति में सॉरी द्विवचन में हो जाएगा अवाभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा अस्माभि। क्या होगा? अस्माभि। फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति में हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे? मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्य, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में मेरा हो जाएगा मत अवाभ्याम अस्मत, मत अवाभ्याम अस्मत। षष्ठी विभक्ति में हम इसे लिखेंगे मम आवियो अस्माकम, मम आवियो अस्माकम। सप्तमी विभक्ति में मेरा होगा मई आवियो और ये अस्मासु, मई आवियो अस्मासु। तो ये मेरा हुआ अस्मत शब्द का रूप। तो इस तरीके से मैं इसमें भी संबोधन का नहीं लिखी हूँ विभक्ति, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।